कि सरकार अपने काले कानून हमसे वापस ले ले। हम किसान हैं, हमें अपनी जमीनों पे हमारा हक है। शासन प्रशासन के कान के नीचे जू तक नहीं रह गया है। हमें अपना परिचय देना पड़ रहा है। हम अपने औजार लेके आए हैं, अपने किसानी के औजार लेके आए हैं। हम कोई हथियार नहीं लेके आए हैं, हम कोई गुंडे मवाली नहीं है। ये किसान का औजार है, फरुआ, दराती, कुटली, कुदाल। एक बार फिर भू संपदा नियामक प्राधिकरण रेरा का कानून का विरोध लगातार ग्वालापार के किसानों के द्वारा देखा जा रहा है। आप देखिए कि हम इस वक्त हल्द्वानी के बुद्ध है और आज अनोखे अंदाज में भारी मात्रा में ग्वालापार के जो किसान है वो लगातार बुद्ध पार्क में धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। आज हजारों की संख्या में महिलाएं अपने हाथों पर जो कराती है और फावड़े है वो लेकर आज हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। देखिए कि किस तरह से यहाँ तमाम जो लोग है आप जाने किस तरीके से आज तो अनोखे अंदाज में जो महिलाएं भी है वो अपने हाथों में दराती लेकर जो सरकार को और प्रशासन को जगाने का कार्य कर रहे हैं इस रेरा कानून को लेकर। हम अपने जो हमारे औजार हैं, हम अपने किसानी के औजार लेके आए हैं। हम कोई हथियार नहीं लेके आए हैं, हम कोई गुंडे मवाली नहीं है। ये किसान का औजार है, फरुआ, दराती, कुटली, कुदाल। इसी से किसान जो है अन्न पैदा करता है। एक मुट्ठी अनाज का किसान कई बोरी अनाज बना देता है। तो हम लोग जो जिस तरह से रेरा के कानून में हमें दबाया जा रहा है, पहाड़ी क्षेत्र में रेरा कैसे लागू हो जाएगा, ऐसे हमारे क्षेत्र में कैसे हो जाएगा, इसकी तीन श्रेणियां होनी चाहिए थी। इन्होंने अधिकारियों ने एसी कमरों में बैठ के ये कानून बना दिया, ये सिस्टम बना दिया। ट्विन सिटी ग्वालापार में जिस तरह आज तक अधिकारियों को जवाब नहीं आया, ट्विन सिटी का हम पुरजोर विरोध करते हैं और किसी कीमत पर ट्विन सिटी को स्वीकार नहीं करेंगे। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं देखिए कि भारी संख्या में ये जो विरोध हो रहा है और भी कुछ लोग किस तरीके से विरोध कर रहे हैं। आप लोग लगातार जो है आप लोगों का जो रेरा कानून के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, आज भी जो भारी संख्या में लोग जो है यहाँ पे बुद्ध पार्क में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज 24 से 25 दिन हो गए हैं, शासन प्रशासन के कान के नीचे जू तक नहीं रह गए हैं। हमें अपना परिचय देना पड़ रहा है। हम अपने औजार लेके आए हैं, जो हमारे क्या नाम कहते हैं हल, बैल, हल हो गया, कुटली हो गई, फावड़ा हो गया और दराती लेके हम अपना परिचय और साथ में खतौनिया भी लेके आए हैं। इनको बताना चाहते हैं कि हम एक आम किसान है और किसान के बेटे हैं और किसान है। बिल्कुल कहीं ना कहीं एक बार मैं कहूंगा कैमरामैन से कि दिखाए, ये देखिए कि जो दवाई डालने जो किसान जो खेतों पे दवाई डालता है वो दवाई डालने की मशीन के साथ साथ अन्य जो उपकरण है यानी कि जो दराती है, जो किसानों के जो फावड़े हैं वो भी जो है आज अनोखे अंदाज में देखिए महिलाएं किस तरह से हाथों पे जो उपकरण है जो किसानों के उपकरण होते हैं ये अनोखे अंदाज में लेकर आई है। माता जी किस तरीके से देख रहे हैं जो रेरा कानून है, आज आप जो किसानों के जो उपकरण बोलते हैं दराती और फावड़े किस तरीके से विरोध कर रहे हैं आप लोग आज हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में? आए हैं कि सरकार अपने काले कानून हमसे वापस ले ले। हम किसान हैं, हमें अपनी जमीनों पे हमारा हक है, किसी का हक नहीं है। यह पहाड़ी क्षेत्र है, इसमें छोटे छोटे खेत होते हैं, उसमें भी एक घर में पांच पांच भाई हैं, तो कहां से 30 फुट की रोड देंगे रेरा कानून के लिए। तो हमने अपने बच्चे के लिए किसी जरूरत के लिए अपना खेत बेचते हैं हम, तो बेचेंगे तो हम उनको कैसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, कैसे हम उनको कामयाब करेंगे। हमारे कानून हमारे हक है, हमारे कानूनों पे किसान के अलावा किसी का हक नहीं है, ना हम देंगे किसी को हक। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं महिलाओं में जो है देखिए कि किस तरह से खासा आक्रोश है, क्योंकि जिस तरीके से जो भू संपदा नियामक प्राधिकरण रेरा जो नया कानून लागू किया गया उसका खास तौर पे पिछले कई दिनों से यहाँ विरोध किया जा रहा है। क्या में जो महिलाएं हैं जो ग्वालापार के आसपास के क्षेत्रवासी लोग हैं वो आज हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में रेरा कानून के खिलाफ लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हजारों की संख्या में लोग हैं, वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन भी लगातार मौके पर मौजूद है। और देखिए कि पूर्व विधायक सितारगंज नारायण पाल के साथ साथ या अन्य तमाम जो समर्थन में कई लोग यहाँ जो किसानों के समर्थन में आए हैं, भारी संख्या में यहाँ लोग हैं। और जिस तरीके से इन लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द जो भू संपदा नियामक प्राधिकरण रेरा जो नया कानून जो है लगाया गया इसको जल्द से जल्द रद्द किया जाए, अन्यथा जो है किसानों का आगे उग्र आंदोलन जारी रहेगा। राकेश जोशी, न्यूज 31 उत्तराखंड के साथ हल्द्वानी।